नमस्कार फ्रेंड नमस्कार। हेलो फ्रेंड नमस्कार। झटपट झटपट घरेलू डिश में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आज हम बहुत ही यूनिक तरीके से इटालियन केचप बनाएंगे, जो आप लोग देखे फ्रेंड कुकर में। इसके लिए हमने लिए हैं 3 टमाटर। ये बहुत ही टेस्टी और बिना मसाला का होता है, बिना मसाला, बिना विथाउट मसाला। 3 टमाटर एकदम पका हुआ लाल ले लीजिएगा। लहसुन 2 बड़ा वाला पीस, एकदम बड़ा पीस लहसुन का ले लीजिएगा। मिर्चा ले लीजिएगा 100 ग्राम फ्रेंड, बस इतना ही से, और बिना प्रिजर्वेटिव का बन जाएगा फ्रेंड। और नमक और चीनी स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नमक लेंगे फ्रेंड और 1 बड़ा चम्मच चीनी लेंगे बस। और थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखने के लिए फ्रेंड, इसमें कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। देखिए थोड़ा सा अजीनोमोटो लेंगे। तो चलिए हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। ये इटालियन केचप बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड, लेकिन इसमें तीखापन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा मिर्चा, हरी मिर्च ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है फ्रेंड। तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। 2 मिनट में बन जाएगा कुकर में फ्रेंड। देख अब हम ये टमाटर तीनों इसमें डाल लेंगे फ्रेंड, ये देखिए। और मिर्च, इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है फ्रेंड, बिल्कुल नहीं पानी देना है, ये देखिए। और लहसुन, ये सारे को डाल के 1 सीटी 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे 1 2 सीटी लगा लेना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हम चढ़ा दिए, और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड। अब सीटी आने दीजिए, 2 सीटी आने के बाद ही, और ठंडा होने के बाद खोलिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड 2 सीटी इसमें आ गया है। अब हम गैस को बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड कुकर का विसल खुल गया है, देखिए बिल्कुल जला नहीं, सटा नहीं, देखिए ये कितना अच्छा हमारा हो गया। पानी बिल्कुल हम नहीं डाले थे फ्रेंड, अब इसको हम निकाल लेंगे। सारे को निकाल के ठंडा होने देंगे फ्रेंड बिल्कुल। ठंडा होने के बाद फ्रेंड थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में इसको हम पीस लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड जैसे थोड़ा सा मिर्चा लेंगे, और यहाँ पे देखिए, और 1 टमाटर लेंगे। इसमें भी पीसते समय भी पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड, और इसको एकदम बारीक करके पीसेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये देखिए हमने पीस लिया, अब इसको इस तरह छन्नी से छान लेंगे फ्रेंड। सारे को इस तरह घुमाते हुए छानेंगे फ्रेंड, ये देखिए इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं दिए हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी जितना घुमाइएगा उतना जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत बारीक पिसा हुआ है फ्रेंड। इस तरह आप सारा घुमा के निकाल लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमारा कम बच गया फ्रेंड, एकदम सारा निकल गया। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम रख देंगे फ्रेंड फ्रिज में, और सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे फ्रेंड। इससे सब्जी बहुत अच्छा बनेगा, चटनी और बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड। आप इसको वेस्ट नहीं होने दीजिएगा फ्रेंड, ये बिल्कुल खास ट्रिक है फ्रेंड। ये देखिए ये मोटे वाले बहुत ही उजाय होगा फ्रेंड। तो देखिए अब हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड सॉस के लिए। ये इसमें मसाला बिल्कुल
नहीं पड़ता है फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई गैस पे रख दिए हैं, अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे फ्रेंड। बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है, बस कढ़ाई गर्म कीजिए और इसको डालिए फ्रेंड। पानी नहीं डालिएगा, 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड। पानी नहीं डालना है, सिर्फ गर्म करना है और नमक स्वाद अनुसार दे लीजिए फ्रेंड। यह 1 चम्मच दे लीजिए फ्रेंड, छोटा चम्मच से। ये देखिए बहुत इजी है फ्रेंड ये अजीनोमोटो केचप बनाना। बस नमक घुलने दीजिए फ्रेंड, थोड़ा टमाटर अगर देसी लेते हैं फ्रेंड तो उसको सुखाने में बहुत टाइम लगेगा, अगर हाइब्रिड लेते हैं तो 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी, ज्यादा अगर आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं फ्रेंड तो क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब ये सारे को मिक्स होने दीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये उबलने लगा, बस 2 मिनट ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड। ये देखिए देखिए फ्रेंड, अब इसमें 2 से 3 लेमन का जूस डाल लेंगे फ्रेंड। इस तरह सीड को निकाल लेंगे, सीड एकदम प्रॉपर अच्छे से निकाल लेना है और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड, इससे खट्टा मीठा तीखा सब इसका नींबू से बराबर हो जाएगा फ्रेंड। इसी तरह आप 2-3 नींबू डाल लीजिए फ्रेंड। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच कलर, जिससे ये बहुत टेस्टी और देखने में भी सुंदर हो जाएगा फ्रेंड। अब इसको ठंडा होने के लिए, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम बॉटल में भर के इसको रखेंगे फ्रेंड। बस अजीनोमोटो से बन 1 पिंच अजीनोमोटो से ये देखिए केचप बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड। अब इसको देखिए फ्रेंड ये ठंडा हो गया, अगर आपके पास सिरका है विनीगर तो विनीगर डालिए, नहीं तो नींबू भी काम चला देता है फ्रेंड। तो अब इसको हम बॉटल में डाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये अजीनोमोटो केचप बनकर तैयार हो गया इटालियन फ्रेंड। तो फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए फ्रेंड, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड। जो सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड थैंक यू, जो नहीं किए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। और इसमें फ्रेंड विनीगर नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, नींबू का इस्तेमाल कीजिए, कोई इतनी आसान रेसिपी आपको परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो घर में है उससे ही ये आप केचप बना के खा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, नमस्कार। नमस्कार।